नमस्कार ओम शांति, मैं हूँ पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज कोलकाता के अमताला में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनेगा ग्लोबल एनलाइटमेंट सेंटर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने किया शिलान्यास। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की मौजूदगी में हुआ आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर से। समाज के सभी वर्गों के बीच प्रबुद्ध, सशक्त और समृद्ध जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के अमताला में ग्लोबल एनलाइटमेंट सेंटर बनेगा। जिसका कार्यक्रम के मंच से ही पट्टिका का शिलान्यास सूबे के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संस्था के कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुनि, आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कानन के कर कमलों से किया गया। अनावरण से पूर्व दादी जानकी ने संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में परंपरागत तरीके से निर्माण स्थल पर भूमि पूजन की रस्म निभाई। पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर कोलकाता में अब एक ऐसा ग्लोबल एनलाइटमेंट सेंटर बनने जा रहा है जो लोगों को भाग दौड़ और व्यवसायिक गतिविधियों में थोड़े समय सुकून का एहसास और आध्यात्मिक तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। वैसे भी कोलकाता में ब्रह्मपुत्रा नदी और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली होने के लिहाज से काफी अहम है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के बीच आत्मिक उत्थान लोगों की जिंदगी में मील का पत्थर साबित होगा। तकरीबन 82 वर्ष पूर्व ब्रह्मा बाबा का कोलकाता में हीरे जवाहरात का व्यापार था, जिसे संस्थान की स्थापना के बाद उन्होंने समेट लिया था, परंतु उनकी याद और आस्था आज भी लखीराज बाबू के नाम से जानी जाती है। ऐसे में यह ग्लोबल सेंटर हर आने वाले लोगों के लिए उनकी यादों को ताजा कर देगा। ए मैं कौन, मेरा कौन, परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। बाप कहता है बच्चे सदा खुश रहो, आबाद करो, न विसरो न याद करो। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान सरकार के साथ मिलकर हर मानव कल्याण के लिए कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। तभी इस पुनीत कार्य में शामिल होने आए पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने हजारों की संख्या में मौजूद सभा को संबोधित करते हुए संस्थान की सेवाओं की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिक होने के नाते केवल आध्यात्मिक सेवाएं ही नहीं देती, बल्कि यह हर प्रकार के क्षेत्र में मानवीय सेवाएं भी देती हैं। और यही कारण है कि आज यदि स्वच्छता अभियान की बात हो या पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण पर विश्वव्यापी चिंता हो, महिलाओं के अधिकारों तथा सतीत्व की रक्षा का विषय हो, बेटी बचाओ एवं बाल कुपोषण तथा स्वास्थ्य की चिंता हो, इन सभी सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं और विषयों पर यह संस्था सदा आगे बढ़कर कार्य करती है। और यही कारण इसके विस्तार के है, इसकी भावना इसीलिए लोगों के मन के अंदर हृदयंगम होती जा रही है। अपनी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने बताया कि 40 साल पूर्व संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उस समय संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि से मिलने पर मुझे दिव्य अनुभूति भी हुई थी। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। 40 वर्ष से अधिक का समय हुआ जब मुझे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में जाने का अवसर हुआ। उस समय दादी प्रकाशमणि जी उसकी मुखिया हुआ करती थी, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्हें मैंने जब देखा तो एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला था, और वह आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति तो माध्यम होता है, व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति तक जब आशीर्वाद पहुंचता है तो मनुष्य की अंतरात्मा जाग जाती है।
इस मौके पर उपस्थित संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा का स्थान ऐसा ऐसलम बनेगा जहां लाखों मनुष्यों का भाग्य उदय हो जाएगा। शिव बाबा ने हम सबका इतना बड़ा परिवार बनाया, परिवार में हम दिल खोल के बात करते हैं, सहयोग देते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, खाते हैं, जीवन चलाते हैं। ये बात उनको बहुत पसंद आती है कि ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि शिव बाबा ने आकर के कोई नई गवर्नमेंट स्थापन नहीं की, लेकिन विश्व एक परिवार है, कोई भी जाति पांति रंग भेद सब हम एक हैं, एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। ये ईश्वरीय परिवार का प्यार उनको बहुत महसूस होता है। बाबा की याद में हम सब ऐसा रिट्रीट बनाएंगे कि सारे विश्व में सब आत्माएं यहाँ पर शांति का अनुभव करने के लिए यहाँ पे आएगी, क्योंकि बाबा का ये वरदान है कि बंगाल ही शक्ति का उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ पर शक्तियों की पूजा होती है। निर्माण होने वाले इस वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल रिट्रीट कम ट्रेनिंग सेंटर में स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी, सेमिनार एंड मेडिटेशन हॉल, हीलिंग गार्डन, सोलार सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म, 500 से अधिक लोगों की आवासीय सुविधाओं समेत कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।